नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल फन फिज़िक्स में। और मैं शुरू करने जा रहा हूँ आज क्लास 12th की फिज़िक्स। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं फिज़िक्स क्लास 12th का सिलेबस। आखिर हमको पूरे साल इसमें क्या क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की, आखिर इसमें कितनी यूनिट्स हैं और उन यूनिटों को कितने चैप्टर में बांटा गया है। तो इस पूरे फिज़िक्स में आपकी 10 यूनिट हैं जिन्हें अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। आपकी सबसे पहली यूनिट होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसे हम सबसे पहले पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिर दूसरी यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड यूनिट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट्स। एंड मैग्नेटिज्म। फोर्थ यूनिट है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एंड अल्टरनेटिंग करंट। फिफ्थ यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक बार इन सभी को लिख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे कितने कितने नंबर की आती हैं एग्ज़ाम में और इनमें कितना कितना हमें टाइम लगने वाला है। सिक्स यूनिट है ऑप्टिक्स, सेवेंथ यूनिट है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। ये यूनिट आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली लगेगी। कैसे आपकी अभी तक की सोच बदलती है, जो आपने अभी तक 11 तक पढ़ा है वो कैसे बदलना शुरू होता है। एटम्स एंड न्यूक्लियाई। नाइन्थ यूनिट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इस यूनिट में आप पढ़ेंगे कि कैसे आप जो डेली यूज़ करते हैं डिवाइसेस वो कैसे काम करती हैं और उनके पीछे का क्या वर्किंग प्रिंसिपल होता है। और आपकी लास्ट यूनिट है कम्युनिकेशन सिस्टम। आखिर आप कैसे फ़ोन पर और टेलीफोन्स पर बात करते हैं, कैसे सिग्नल्स भेजे जाते हैं, ट्रांसमिट किए जाते हैं, वो सब आप इस यूनिट में पढ़ेंगे। तो ये है हमारा फिज़िक्स का 12th क्लास का पूरा कंप्लीट सिलेबस इन 10 यूनिट्स। आइए अब डिस्कस करते हैं कि ये 10 यूनिट कितने कितने नंबर की एग्ज़ाम्स में आती हैं। तो पहली ये दो यूनिट
इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी 15 मार्क्स की आती है। थर्ड एंड फोर्थ यूनिट दोनों को कंबाइन करके 16 मार्क्स का आता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट में से 15-16 नंबर का क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ और सिक्स्थ यूनिट में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड ऑप्टिक्स में से 17 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। और ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड एटम्स एंड न्यूक्लियाई में से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स में से 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इन सभी में जो सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट होगा वो ये होगा। अगर मार्क्स के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वेटेज ऑप्टिक्स का रहता है। अगर आप ऑप्टिक्स को सही से क्लियर कर लेते हैं तो लगभग लगभग आप 15-16 नंबर इसी ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में से आराम से ले सकते हैं। आइए दोस्तों अब डिस्कस करते हैं कि इन 10 यूनिटों को कितने चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। इन टोटल 10 यूनिटों को 15 चैप्टर्स में डिवाइड किया जाता है। टेन यूनिट्स डिवाइड इनटू 15 चैप्टर्स। तो आइए देखते हैं दोस्तों ये चैप्टर कौन कौन से होंगे। फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसमें है हमारे दो चैप्टर। पहला इलेक्ट्रिक चार्जेस, फील्ड्स, और दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सेकेंड यूनिट को डिवाइड किया गया है सिर्फ एक चैप्टर में। सेकेंड यूनिट हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी और इसमें एक चैप्टर है जिसका नाम भी है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड यूनिट है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। थर्ड यूनिट मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। इसको दोस्तों डिवाइड किया गया है दो चैप्टर्स में। ये आपका थर्ड चैप्टर होगा, ये फोर्थ। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। और फिफ्थ चैप्टर होगा आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर।
नेक्स्ट है दोस्तों आपकी फोर्थ यूनिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये फोर्थ यूनिट इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करेंट्स। इसमें आपके दो चैप्टर हैं, चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एंड चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करेंट। फिफ्थ यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें सिर्फ आपका एक ही चैप्टर है, इसमें है आपका 8th चैप्टर जिसका नाम भी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सिक्स यूनिट है आपकी ऑप्टिक्स, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट, और इसे डिवाइड किया गया है दो चैप्टर्स में। पहला है आपका 9th चैप्टर रे ऑप्टिक्स, एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स और 10th चैप्टर है आपका वेव ऑप्टिक्स। सेवेंथ यूनिट है आपकी ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इसको सिर्फ एक ही चैप्टर में बांटा गया है जो है आपका 11th चैप्टर। इसका नाम सेम है ड्यूअल नेचर। रेडिएशन एंड मैटर। नेक्स्ट है आपका 8th यूनिट, इसका नाम है एटम एटम्स एंड न्यूक्लियाई। इसको दो चैप्टर्स में बांटा गया है, एक आपका 12th चैप्टर जिसका नाम है एटम्स और एक है आपका 13th चैप्टर जो है आपका न्यूक्लियाई। नेक्स्ट है आपकी 9th यूनिट
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इसको दो चैप्टर्स में बांटा गया है, एक है आपका 14, सॉरी इसको सिर्फ एक ही चैप्टर में बांटा गया है जिसका नाम है सेमीकंडक्टर। इलेक्ट्रॉनिक्स लास्ट चैप्टर है, यूनिट है आपकी 10th, कम्युनिकेशन सिस्टम्स। इसको भी एक ही चैप्टर में बांटा गया है जो आपका लास्ट चैप्टर होगा 15th, और नेम भी इसका सेम ही है, कम्युनिकेशन सिस्टम्स। तो ये है दोस्तों हमारा सिलेबस जो हमें ये पूरे साल भर स्टडी करना है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आपके पास अब एक पूरा ब्लूप्रिंट है जो हम साल भर पढ़ने वाले हैं। हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे सबसे पहली यूनिट का पहला चैप्टर, मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स का सबसे पहला टॉपिक जो होता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।